हेलो एवरीवन, दक्षिण ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। अगले पड़ाव पे कंसंट्रेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन व्हेन 2 मोलार 2 लीटर ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 2 मोलार 2 लीटर ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 1 मोलार 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन। तो याद है पिछली बार हमने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि एसिड एंड बेस जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, मोलारिटी आपका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन, प्रॉब्लम क्या गिवन है कि आपका 2 मोलार H2SO4 दिस इज मिक्स्ड विद क्या है, 1 मोलार NaOH सॉल्यूशन। क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 एंड H2O। दिस इज द सॉल्ट वी हैव एंड देख लो कितने सॉल्ट बनेंगे। दिस इज 2, सो यू हैव टू बैलेंस दिस। दिस इज 2 NaOH4 NaOH, ठीक है। आई थिंक सब कुछ बैलेंस है। ये कितना था, आई थिंक 2 मोलार 2 लीटर, करेक्ट। एंड दिस वाज कितना था, 1 मोलार 3 लीटर, ओके। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो H प्लस आयन कितने बचेंगे, सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब हमें याद रखिए, हमें H2SO4 की बात नहीं करनी है, हमें H प्लस आयन की बात करनी है, हमें OH नेगेटिव आयन की बात करनी है, हमें NaOH की बात नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन को गिनिए, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, तो 2 मोल्स H2SO4 इन 2 लीटर, सो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो दिस इज व्हाट, 2 into 2, सो दिस इज 4 मोल्स ऑफ H2SO4। एंड व्हाट वी नो, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हो जाएंगे, एक H2SO4 में 2 H प्लस आयन, तो 4 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 8, सो 8 मोल्स ऑफ H प्लस आयन आपके हो गए। सिमिलरली इनकी बात करते हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मॉलिक्यूल कितना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इज 1, वॉल्यूम इज 3, सो टोटल 3 मोल्स ऑफ NaOH, ओके। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या है, क्या हो जाएगा, आपको पता है एक NaOH में एक ही OH नेगेटिव, सो 3 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, OH नेगेटिव आयन। और आपको क्या पता है, H प्लस एंड OH नेगेटिव क्या बनाता है, H2O बनाता है। अब देख लीजिए, सिंपल सी बात है, ये 3 मोल है, ये 8 मोल है, तो क्या है, एक एक के साथ रिएक्शन करेगा, 3 के साथ रिएक्शन करेगा, आपके पास रिमेनिंग H प्लस है, दिस इज 5 मोल, सो रिमेनिंग एंड H प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू 5। अब आप निकाल सकते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज M मोलैरिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन लेफ्ट दैट इज 5 डिवाइड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, हियर 3 लीटर, हियर 2 लीटर, दैट इज 5, सो मोलैरिटी इज 1 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलार, ओके। तो याद रखिए, जब भी आप एसिड बेस की बात कर रहे हो तो ज्यादा फोकस आपको H प्लस पे और OH नेगेटिव पे करना है, रादर देन ऑन मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो ठीक, इसी तरीके से एक प्रॉब्लम लिखिए, 0.1 मोलार AgNO3 इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोलार AgNO3 इन
इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम. फाइंड फाइंड NO3 आयन कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन दिखाने का तरीका. सो व्हाट इज, आपको क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से अगर आपको दिखाया जाए तो उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो पूछना चाह रहा है. एंड यू नो व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज रेफर्स इन मैक्सिमम केसेस क्या होगा, मोलैरिटी. सो मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन की बात करना चाह रहा है. और इसने क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम. याद कीजिए, जब मैंने आपको इक्वल वॉल्यूम की बात बताई थी तो क्या बोला था कि सिंपली इक्वल वॉल्यूम है तो सिंपली उसका एवरेज निकाल दीजिए. तो सिंपल है, 0.2 + 0.1, 0.1 + 0.2 / 2. सो नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन विल बी 0.15. फाइन. अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास अनदर प्रॉब्लम है, 0.1 molar HCl is mixed with 0.1 molar H2SO4 in equal volume. Find H plus concentration of H plus in resultant solution. तो कैसे करेंगे, सेम तरीका है. आपका काम है, इसने H plus पूछा तो आपका काम है H plus निकालना, यहां से H plus निकालना और फिर उसको बनाना. ठीक है, कैसे करेंगे, H plus from HCl कितना हो जाएगा, देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल में एक एच प्लस. और आपको क्या पता है, इक्वल वॉल्यूम की बात करी है ना, इक्वल. लेट अस टेक वॉल्यूम वी, इसका भी वॉल्यूम वी ले लेते हैं और इसका भी वॉल्यूम वी ले लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस आयन क्या हो जाएगा, वी इंटू 0.1. ठीक है, एन इंटू वी इज द नंबर ऑफ मोल्स. सिमिलरली H plus from H2SO4 कितना हो जाएगा, ये गिनिए. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स H2SO4 के कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. सो 0.1 इनटू वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4. और एक मॉलिक्यूल में दो H plus, so into 2 will give you the total H plus coming from H2SO4. ठीक है, अब देखिए resultant molarity क्या हो जाएगी, total number of H plus in the solution, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको और इन दोनों को add करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को आपने mix कर दिया, वही तो H plus solution में घूम रहे हैं. so क्या होगा, 0.1 भी प्लस, वहां से दिखाइए क्या है, 0.2V डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V plus V. बोला था इक्वल वॉल्यूम है तो V plus V क्या हो गया, 0.3V / 2V. सो दिस इज 0.15 molar. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका ध्यान हमेशा H plus पे होना चाहिए और इस H plus पे होना चाहिए. H2SO4 के पीछे मत भागिए. अगर आप वही फॉर्मूला लगा देते M1V1 + M2V2 / V1 + V2, तो देखो आंसर क्या आता, क्या सही आंसर आ रहा था, क्या बताओ, नहीं आता, क्योंकि यहाँ 0.1 + 0.1 क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 0.1 ही आंसर आना चाहिए. क्यों, तो फिर आंसर आपका क्या ज्यादा. ठीक है, ज्यादा. तो ये जो चीज है आपको हमेशा इस कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखें, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से. चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलैरिटी व्हेन 3 molar 5 liter calcium hydroxide is mixed with 1 molar 2 liter H2SO4 acid. 3 molar
5 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद 1 मोलर 2 लीटर H2SO4। तो क्या है आपके पास 3 मोलर 5 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड दिस इज योर मिक्सिंग विद कितना है 1 मोलर 2 लीटर H2SO4, ओके। तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या होगा कैल्शियम सल्फेट, सो क्या CaSO4 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कीजिए जल्दी से, कितने रिएक्शन बैलेंस हैं, क्या सब सबके सब रिएक्शन बैलेंस हैं? हाँ बैलेंस है, ओके। अब देखिए क्या हो जा रहा है, नहीं बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है क्या, यहाँ पे आ गया H2O और क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, हाँ अब रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 3 इनटू कितना हो गया आपका 5 हो गया, सो दिस इज 15 मोल। उसके बाद ये क्या पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा 1 into 2, दैट इज इक्वल टू 2 मोल, करेक्ट, यही तो है। अब क्या है देखिए बड़ा आसानी से, 1 मोल 1 के साथ रिएक्शन करता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 मोल करेगा 2 मोल के साथ, सो लिफ्ट कितना बच जाएगा आपका 15 - 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बच जाएगा। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी OH माइनस की पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर वो पूछता व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट, तो मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर पूछता मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप क्या बोलते, 13 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 5 प्लस 2 7, सो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिमेंबर, बट दिस इज आस्किंग मोलैरिटी ऑफ OH माइनस। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH नेगेटिव लेके बैठा हुआ है तो 13 मोल कितने OH नेगेटिव, 13 into 2 by 7, सो 26/7 मोलार क्या OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ये निकल के आया है। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाह रहा है, क्या OH नेगेटिव पूछना चाह रहा है, क्या H प्लस पूछना चाह रहा है, या H2SO4 पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ। इस पे ज्यादा समय हमने इसलिए व्यतीत किया क्योंकि ये जो आपके मोलैरिटी है इस पे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस पे थोड़ा अभी जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसको ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला लिखते हैं, अगला टर्म है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, क्या स्ट्रेंथ को डिनोट करते हो आप एफ से, ठीक है। आपने मोलैरिटी की बात करी थी तो मोलैरिटी में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन की मोलैरिटी की बात करी थी। सो स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा डिफरेंस दोनों में यही है, क्या है अगर आप एस की बात करो, स्ट्रेंथ की बात करो, तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, वहां पे हमने बात करी थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
मोलैरिटी में हमने बात करी थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट इट हैज टू बी इन ग्राम डिवाइड बाय क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड इट हैज टू बी इन लीटर। याद कीजिए परसेंटेज, परसेंटेज मास वेट बाय वॉल्यूम, उसमें क्या था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में याद कीजिए दिस वाज ग्राम एंड दिस वॉल्यूम वाज इन एमएल, वॉल्यूम एमएल में था। यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में वॉल्यूम क्या होता है लीटर में होता है। यह आपके मोलैरिटी का एक दूसरा रूप है, करेक्ट। मोलैरिटी को अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको स्ट्रेंथ मिलता है, करेक्ट। क्या होता है एस, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास बाय मोलार मास, लेट अस राइट एम नॉट, एम नॉट बी द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, करेक्ट। और क्या हो सकता है आप इसको, इसको क्या लिख सकते हो एस लिख सकते हो। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी कि क्या एक आपके पास एक आ सकता है रिलेशन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलार मास, ठीक है। मोलैरिटी इनटू मोलार मास क्या है m इज हियर मोलैरिटी एंड m नॉट, m नॉट इज मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ओके। सो ये एक तरीका है आपको स्ट्रेंथ निकालने का। मान लीजिए आपसे पूछे, आपको गिवन हो कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर, सो व्हाट इज स्ट्रेंथ 10 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट इज मोलर, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है मोलैरिटी हमें पढ़ा था दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, क्योंकि इसमें मास आने वाला है। सो यही एक ऐसा आपको दिखेगा जहां पे क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए हमने बोला था जब भी फ्रैक्शन आता है तो ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन होता है, पर जैसे ही आपने मोलैरिटी की बात करनी शुरू कर दी तो ऊपर में तो सॉल्यूट होगा ही होगा, नीचे में सॉल्वेंट आएगा। एंड आप इसको डिनोट करते हो क्या, ठीक है। सो मोलैरिटी m इज इक्वल टू क्या बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, या आप मास ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो। एंड इट हैज टू बी इन केजी, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो मोलैरिटी आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 5 ग्राम कैल्शियम इन 50 ग्राम वाटर, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 50 ग्राम वाटर, तो क्या होगा चेंज कीजिए मोलैरिटी में तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वी नीड। सो 5 डिवाइडेड बाय मोलार मास इज 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 50 ग्राम, सो राइट 50 ग्राम। डू वी नीड ग्राम, नो वी नीड टू हैव केजी इन द डिनोमिनेटर, आपके डिनोमिनेटर में केजी होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग 1 molar, सो दिस इज कॉल्ड 1 molar, 1 molar सॉल्यूशन, ओके ओके। सो मान लीजिए आपको गिवन है कि 3 molar HCl, इसका मतलब क्या है
थ्री मोलाल एच सी एल का मतलब है थ्री मोल्स ऑफ एच सी एल प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ वाटर और वन के जी ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए टू मोलाल गिवन है तो टू मोलाल एन ए एच तो क्या हो जाएगा, टू मोलाल एन ए एच का मतलब हो जाएगा टू मोल्स ऑफ एन ए एच प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए इसके एक दो प्रश्न आप आराम से कीजिए, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH अगला प्रॉब्लम लिखिए कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वे 100 ग्राम कंटेनिंग 10 ग्राम NaOH। तो उसने क्या बोला, प्रॉब्लम बोल रहा है कि NaOH किसी सॉल्यूशन में है 10 ग्राम और क्या पता है सॉल्यूशन का जो मास है 100 ग्राम और पूछ रहा है मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए। मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट का मास, केजी में होना चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट का मास निकालेंगे सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू, दिस इज वाटर जनरली, तो मैंने यहां लिखा वाटर। अब क्या हम कर सकते हैं, जी हां कर सकते हैं, एन की वैल्यू है 10 सो 10 डिवाइडेड बाय 40 करेक्ट, दिस इज द एन की वैल्यू निकल के आ गई। डब्ल्यू क्या है आपका 90 है, चेंज इनटू केजी तो मैंने बदल दिया केजी में, डब्बा कैंसिल दिस इज कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 36 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आप आराम से कर सकते हो। तो आपके जैसे जैसे भी आप देखोगे अब मोलैलिटी से आपको क्या बताइए, ठीक है, तो अब क्या है आपको अब इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। मोलैलिटी से मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन जो भी हम देखेंगे उसमें कैसे कन्वर्ट किए हैं ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो अगला लिखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है, इसको आप कैसे डिनोट करते हो, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, अगेन दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो मोल फ्रैक्शन में क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, राइट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मान लीजिए आपके पास Na इज सॉल्यूट Nb इज सॉल्वेंट, ठीक है, आपके पास बाइनरी मिक्सचर है उसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो मान लीजिए Na और Nb आपका सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया, तो XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल्स
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल मतलब दोनों को जोड़िए तो एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली अगर आपको निकालना है किसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो एक्स बी क्या होगा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, यानी कि नीचे में तो हमेशा टोटल मोल्स ही रहेगा, ठीक है, तो नीचे में हमेशा आपका टोटल मोल्स ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 18 ग्राम वाटर इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम NaOH, फाइंड XA, XB, फाइंड XA एंड XB। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमको XA क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सिमिलरली XB क्या होगा NB बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें एन ए एंड एन बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पता होना चाहिए। तो कहां से निकालेंगे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एन ए, एन ए इज सॉल्यूट तो क्या है 10 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 0.25। उसके बाद H2O क्या हो जाएगा, H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, एन बी क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 18 क्या हो गया 1, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो XA क्या है, XA is number of moles of A that is 0.25 divided by 1.25 that is the total number of moles। Similarly XB क्या हो जाएगा 1 divided by 1.25। अब आप एक चीज ध्यान में रखें तो यहां से एक चीज समझ में आता है, अगर आप XA प्लस XB करो क्या हो जा रहा है, XA प्लस XB क्या करेंगे NA by NA plus NB, NB by NA plus NB, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है NA plus NB नीचे में आ जाएगा और यहां से NA यहां से NB क्या हो जा रहा है दिस इज 1। सो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि XA प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अगर ये बाइनरी मिक्सचर है तो, ठीक है, तो याद हमेशा रखना है आपको कि ये एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों आपको पता होना चाहिए, इसका आप यूज हमेशा करोगे कहां पे, गैस स्टेट में यूज करोगे, सॉल्यूशन चैप्टर में यूज करोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जल्दी से छापिए। चलिए अगला देखा जाए, ppm के बारे में बात करते हैं। ppm भी कॉल्ड में ppm मींस, ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, तो वी आर टेलिंग अस ppm, ओके। सो ppm का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, जो टर्म है, इसका यूज करते हैं तब जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। जैसे आपको मान लीजिए कार्बन एमिशन होता है तो जो भी इंडस्ट्रीज होती है तो उनके एयर पोल्यूशन में, खास एयर पोल्यूशन में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि कार्बन एमिशन कितना ज़्यादा हो रहा है, तो उसका ppm के रूप में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इतने बड़े इन्वायरमेंट में जो परसेंटेज ऑफ जो कार्बन पार्टिकल्स वो बहुत ही कम होगा, इसीलिए आप उसको वहाँ यूज़ करते हो। या आपके सॉइल में भी आप देखोगे तो वहाँ पे हम ppm में मैग्नीशियम या सोडियम या आपके जो फास्फोरस है उसका हमें पता करना होता है तो हम ppm ही यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ आप जो पार्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हो, लेट अस से फास्फोरस की बात कर रहे हो, सो अमाउंट ऑफ फास्फोरस कंपेयर टू द सॉइल इज वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम है, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए आपको ppm का यूज़ करना होता है। वॉट इज ppm, ppm इज जस्ट ए नंबर, करेक्ट, नंबर क्या है, किस टाइप का, इट इज द, इट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ मास प्रेजेंट इन एवरी 1 million पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट। सो अगर आप सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात करें तो कितने पार्ट, तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 1 million पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि सर ये क्या बोल दिया, सो ppm इज इक्वल टू, ऐसे समझिए ppm हमने क्या बात करी थी, वेट बाय वेट की बात करी थी, उसके बाद और क्या बात करी थी,
वेट बाय वॉल्यूम की बात करी थी एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करी थी। तो अब इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मास मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10^6। सिमिलरली अगर इसकी बात करी जाए तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 10^6। सिमिलरली अगर आप ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ppm। अगर मान लीजिए क्या बोला जाए, 2 ppm, 2 ppm का मतलब क्या होगा, 2 ग्राम प्रेजेंट है एवरी 10^6 ग्राम सॉइल में, 10^6 ग्राम सॉइल। सिंपल सी बात है ना, 2 ग्राम आप यहां पे डाल दो डिवाइडेड बाय 10^6 ग्राम यहां पे डाल दो, 10^6 ये कैंसिल हो गया, सो 2 ppm यू आर गेटिंग, करेक्ट। सो द 2 ppm का मतलब है कि 2 ग्राम फास्फोरस इज प्रेजेंट इन एवरी 10^6 ग्राम्स ऑफ सॉइल। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि जो वॉल्यूम, लेट्स टेक दिस वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम लिया जाए, सो अब 200 ppm इज द परमिसिबल अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ सल्फर। मान लीजिए ये बोला जाए, लेट्स टेक 200 ppm, ओके तो 200 ppm ऑफ सल्फर का क्या मतलब है, 200 ppm सल्फर का क्या मतलब हो सकता है कि दिस टू, अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करो तो क्या होगा, या ग्राम वेट बाय वॉल्यूम की बात करो, सो 200 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन क्या, 10^6 ml ऑफ एयर एंड सो। ठीक है, तो ये है ppm से आप इस तरीके से ppm को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब क्या है कि आपको इंटर कन्वर्सन पता होना चाहिए, किसका किसका, मोलैरिटी से मोलैलिटी का। चलिए तो इनके इंटर कन्वर्सन का एक फॉर्मूला है जो मैं सीधा आपको बताना चाहता हूं, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या होगा, मोलैरिटी इनटू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट माइनस डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, पर मैं हमेशा आपको बोलना चाहूंगा कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो तरीका है बेसिक है वो आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक से आप जाइए, फॉर्मूला का यूज बहुत से बहुत ही कम करें, बहुत कम करना है आपको फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे फॉर्मूला कभी आपका यूज नहीं रहता, आपका बेसिक नॉलेज है वो आपका यूज होगा। ठीक है, तो इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं आज के इस टॉपिक्स में। ओके सो प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज गिवन एज 3 मोलार, एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एज
चलिए प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन whose molality is 2 and density of the solution is 1.2 gram per m, density of the solution is 1.2 gram per ml. तो इन्होंने क्या बोला है, molality is given as 2, density of the solution is 1.2 gram per ml. Okay, what is molality first? Molality is number of moles of solute divided by kg, correct? अगर इस 2 का मतलब समझा जाए, so 2 moles of H2SO4 present in 1 kg of solvent, correct? 1 kg of solvent. अब आपको क्या बताना है, मोलारिटी बताना है. मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए. मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा, दोनों के मास को ऐड करना पड़ेगा. इसका मास कितना है, 1 kg, करेक्ट. सॉल्यूट का मास कितना है, 2 moles है, तो 2 into molar mass of H2SO4 कितना होगा, 98, तो क्या हो गया 1000 gram, प्लस कितना होगा 6, प्लस कितना 196, सो 1196 ग्राम. दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन. हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. सो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1196 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डेंसिटी गिवन, 1.2. सो 1.2 तो क्या हो जाएगा, 1.2 ग्राम पर ml की बात कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, अराउंड 98. और लेट अस राइट, अगर आप इसको 1.2 एप्रोक्सीमेट इसको 120 मान लो तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 ग्राम पर 1000 ml, करेक्ट. 1000 ml आपका एप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा. 1196 को आप 12 लिख सकते हो, 1200 लिख सकते हो, चार ही तो कमी है, तो एप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा आपका, 1000 ml आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर आ रहा है. एंड 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, वॉल्यूम 1 है, सो 2 मोलार. अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो, सो दिस वॉल्यूम इज नॉट 1 लीटर, दिस इज बिट लेस देन 1 लीटर. सो वॉल्यूम क्या आपका जो मोलारिटी आएगा वो हल्का सा 2 से आपका ज्यादा हो, करेक्ट. एग्जैक्ट वैल्यू 2 से हल्का सा ज्यादा हो, तो आपको अगर आपको मोलैरिटी पता हो तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता हो, लेट अस टेक मोल फ्रैक्शन, XA इज गिवन एज 0.1, XA इज गिवन एज 0.1, तो बताइए कि मोलैरिटी क्या होगी किसका. लेट अस टेक, वी हैव HCl and water. अगर मोल फ्रैक्शन अगर दिया गिवन है, मोल फ्रैक्शन अगर गिवन है, तो क्या है, XB क्या हो जाएगा आपको पता है, XA plus XB is equal to 1 and 0.1. अगर ये XA है तो 0.9 आपका XB हो जाएगा, सिंपल. सो 0.9 आपका XB हो गया है, यानी कि दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.9. सिंपल. अब देखिए क्या है, मोलैलिटी की बात करना चाहता है ये बंदा, तो मान लीजिए कि अगर 0.1 मोल अगर आपका है HCl, तो 0.9 मोल क्या हो जाएगा आपका, H2O हो जाएगा, सिंपल.
मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ ए इज 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो 0.1 इज कमिंग, सो दिस इज द सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज HCl इज 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज वाटर, मास कैसे निकालेंगे, 0.9 इनटू मोलार मास ऑफ वाटर इज 18, ये बंदा निकलेगा ग्राम में, डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो क्या आ जाएगा 100 बाय 0.9 इनटू 80, सो दिस इज आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज आपका दिस मच मोलार आंसर आएगा। तो कोई भी जितने भी कन्वर्शन हैं आपको बहुत ही बेसिक से जाइए और आपको वो सारे कन्वर्शन आराम से आ जाए, ठीक है, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, बस मेक श्योर कि आपके बेसिक्स जो हैं बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आपने परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी वो भी पढ़ रखी है हमने लास्ट के कुछ लेक्चर में, ऑक्सीडेशन नंबर और जो बैलेंस करना वो भी सीखा था, तो ये जो बेसिक्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपके ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। हो सकता है तो अगले लेक्चर में आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कराऊं, ठीक है, और मीनवाइल अगर आपको कोई आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।